मध्य पूर्व के देश तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई है। तुर्की और सीरिया में अब तक 9,500 से ज्यादा शवों को बरामद कर लिया गया है। पहले भूकंप से जुड़ी ताज़ा अपडेट जान लीजिए। 70 देशों की राहत और बचाव एजेंसियां दिन रात काम में जुटी हैं। तुर्की में 7,108 लोगों की जान जा चुकी है और 34,810 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सीरिया में 2,600 लोग मारे गए और 3,849 से ज्यादा जख्मी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मौत का आंकड़ा 20,000 के पार जा सकता है। तुर्की में 8,000 लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 24,000 से ज्यादा बचाव कर्मी तैनात हैं। भूकंप प्रभावित इलाके में लगभग 3,80,000 लोगों ने सरकारी शेल्टर और होटल्स में शरण ली है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की तबाही को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए भूकंप प्रभावित तुर्की को मदद भेजी है। इसके अलावा मलबे में दबे लोगों का पता लगाने में माहिर डॉग स्क्वाड के 4 सदस्यों को भी भेजा है। इन 4 डॉग्स में जूली, रोमियो, हनी और रैम्बो हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमों के साथ चारों को मंगलवार को ही रवाना कर दिया गया था। भारत के अलावा मैक्सिको के डॉग स्क्वाड की टीम भी तुर्की पहुंची। इस टीम में फ्रीडा नाम श्वान ने 2017 में मैक्सिको भूकंप के दौरान 12 लोगों की जान बचाई और 40 शवों का पता लगाने में मदद की थी। तुर्की के साथ साथ भारत ने सीरिया को भी 6 टन राहत सामग्री भेजी है, जो कि सीरियाई अधिकारियों को सौंप दी गई है। मंगलवार रात को सेना का C-130 विमान राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ था। इसमें दवाइयों के साथ एक ऑटोमोबाइल हॉस्पिटल भी है। भारत के अलावा तुर्की, सीरिया को इन देशों ने भी इतनी मदद दी। साउथ कोरिया ने 5 मिलियन की मदद देने की घोषणा की, चीन ने 6 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने 11 मिलियन, अमेरिका ने 79 लोगों की 2 सर्च ऑपरेशन टीम और 100 फायर फाइटर्स और इंजीनियर भेजे हैं। यूरोपियन यूनियन ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम भेजी है। रूस ने बचाव कार्य के लिए 300 सैनिक और हेलीकॉप्टर भेजे हैं। इसराइल ने बचाव कार्य के लिए 150 इंजीनियर और मेडिकल स्टाफ भेजा। ब्रिटेन ने 76 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट की टीम भेजी है। वहीं गरीब पाकिस्तान ने सर्च रेस्क्यू टीम और 25 टन की राहत सामग्री भेजी है।